प्रदेश के अंदर किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं पहले ही समाधान हो चुकी थी। कोई भी विपक्ष जो नकारात्मक राजनीति कर रहा था उसके पास जनहित से जुड़ी हुई किसी भी मुद्दे को लेकर के जब उनके पास कोई भी इस प्रकार का मुद्दा उनका नहीं बन पाया तो उन्होंने व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना प्रारंभ किया और अंततः हताश निराश विपक्ष पूरी तरह धराशायी हुआ। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव में 7 चरणों में चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं समस्या नहीं आई चुनाव के दौरान भी, और प्रदेश के अंदर एक भी बूथ पर दोबारा मतदान की नौबत नहीं आई। ये पहली बार हुआ है कि इतना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न हो, रिपोलिंग की नौबत कहीं ना आने पाए। ये अपने आप में एक कुछ नई मिसाल प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान सरकार की कार्यक्रमों और सरकार की नीतियों के माध्यम से जो सामने आया है वह भी शुरू में था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में इस बात को कहा था कि चुनाव के परिणाम जो भी होंगे लेकिन हमें चुनाव को विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर केंद्रित करके फोकस करते हुए लड़ना होगा। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और उस सकारात्मक राजनीति को विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के जिस मुद्दे को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने पूरे देश के अंदर लागू किया उसका भी सार्थक परिणाम हम सबके सामने रहा है। प्रदेश के अंदर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 51+ की राजनीति हम प्रदेश के लिए करें और 51% की उस रणनीति के तहत जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव अभियान में 51% का लक्ष्य अपना अचीव किया और 51% का लक्ष्य प्राप्त करते हुए 64 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दल ने यहां 80 में से 64 सीटों पर सफलता प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग सफल रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। हमारे पास 2014 में प्रदेश के अंदर 42.3% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ था और 42.3% मतदान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर के आज लगभग 51% तक पहुंचाया है। जो लोग पहले से इस बात को कहते थे कि प्रदेश के अंदर जातीय समीकरण भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हैं, मुझे लगता है उन पूर्व अनुमानों को धता बताते हुए एक सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश की जनता ने परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद की राजनीति को खारिज करते हुए विकास के वाद को और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हुए इस बात को साबित किया है कि नहीं, जो हमें हमारा विकास करेगा, जो ईमानदारी के साथ शासन की योजनाओं को हम तक पहुंचाएगा और जो देश की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई क्रियान्वयन करेगा उनके साथ जनता का समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। और आज उसका परिणाम है कि आम जन का सहयोग इस सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दी थी। ये अंडर करंट चुनाव के दौरान भी देखने को मिला और हम लोग इसीलिए चुनाव के दौरान भी इस बात को कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी 60 और 65 के बीच में सीटें प्रदेश के अंदर पाएगी। हर व्यक्ति इस बात को कहता था कि ये जो अनुमान है ये केवल अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए है। हम लोग तब भी कहते थे कि नहीं, पब्लिक सेंटिमेंट को आप थोड़ा देखिए क्या स्थिति है और उस पब्लिक सेंटिमेंट को ध्यान में रख करके जब इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात होती थी तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि नहीं, हम लोग इस बारे में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, क्योंकि चुनावी जो जातीय राजनीति का अंक गणित है वह गठबंधन के पास है।
लेकिन आपने देखा होगा कि अगर एक रणनीतिक अभियान के तहत टीम वर्क के साथ कोई कार्यक्रम आगे बढ़े और सही मायने में शासन की योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक बिना भेदभाव के पहुंचे, वह एक सकारात्मक परिणाम भी देता है। और ये सकारात्मक परिणाम आपने इस चुनाव में देखा होगा कि गठबंधन बनाने की कवायद करने वाले लोग आज कहां पहुंचे हैं, अपने स्वयं के दुर्ग को नहीं बचा पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी पूर्वानुमानों को, जो जातीय समीकरण थे, जो प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार से एक खिचड़ी बनाने का प्रयास किया जा रहा था, हर हाल में मोदी जी को रोकने के लिए सारे के सारे कवायदें चल रही थी। उत्तर प्रदेश से लेकर के आंध्र प्रदेश तक आपने देखा होगा कि सभी के सभी धराशायी हो चुके हैं। और ये इस बात को साबित करता है कि जनता सकारात्मक राजनीति चाहती है और सकारात्मक नकारात्मकता उसे कतई पसंद नहीं है।